आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं श्री विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। भू माफियाओं के द्वारा भूमि स्वामी की भूमि पर कब्जा करने की साजिश, अवैध कब्जे की शिकायत पर कलेक्टर SP द्वारा कार्रवाई नहीं। कटनी, भूमि स्वामी कुलदीप नामदेव व गुज्जर जायसवाल वगैरह के द्वारा बताया गया कि उन्होंने छोटा कैलवारा के उस पार इंदिरा गांधी वार्ड में स्थित सूफी संत नगर के पास भूमि स्वामी गया प्रसाद कुशवाहा से जमीन क्रय किया था। कुछ लोग इस जमीन में कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत कटनी कलेक्टर SP तहसीलदार से भी की गई, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुठला थाना प्रभारी से शिकायत की गई, उनके द्वारा पुलिस चौकी प्रभारी SI सिद्धार्थ को कार्रवाई के लिए कहा गया। उनके द्वारा कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षकारों से दस्तावेज प्रस्तुत करने, आपस में समन्वय बनाकर रखने, विवाद न करने, राजस्व प्रकरण न्यायालय से पूर्ण कराए जाने हेतु दोनों को समझाइश दी गई। रिपोर्ट मतीन खान एवं राजेश कुमार तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज, कटनी। द्वारा आए दिन जब भी देखा जाए चूना डालता है और आए दिन परेशान करता है और हर व्यक्ति का पैसा लेता है, पैसा पकड़ लेता है, उसी पैसे से हम लोगों को धमकाता है। और मैंने कलेक्टर साहब को 2 बार लिखित शिकायत दे चुका हूँ, SP साहब के यहाँ 2 बार लिखित शिकायत दे चुका हूँ, और चौकी में 2 फरवरी माह में मैंने सीमांकन करवाया था, उसकी शिकायत मैंने अपने बस स्टैंड चौकी में दिया था। आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है और अभी भी मेरा आप देखना चाह रहे हैं कि पूरा पिलर करवाया, इसके बाद ही मेरे को धमकी दे रहे हैं। नहीं, वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, उनके पास भी कोई प्रमाणित प्रति है क्या? 4 साल से सर उनको बोल के रखा है, 4 साल के मेरे को अपने पेपर दिखाइए, मेरा ये है मेरा खसरा नंबर 215/16 है, 215/63, 216/63, 217/63 मेरा खसरा नंबर है। रजिस्ट्री कहाँ आपकी? रजिस्ट्री है ये मैंने उसके जब लिया था, ये मेरी रजिस्ट्री है, गया प्रसाद कुशवाहा से लिया है, उसके परिवार को कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, मेरा सारा काम करवा के गया है। ये मेरे को छुट्ट धमकी देते हैं कि बुलवाओ मेरा नौकर है, 4 वर्षों से इनका अगर नौकर है ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इनके साथ अगर किसी प्रकार की धोखाधड़ी किया है तो ये मकान अज्जू कुशवाहा अर्जुन दास पटेल जाने, ये इनका लेन देन है, मेरे को भाई फेस जानते भी नहीं रहे, मुझे अकारण परेशान किया जा रहा है। ये मेरी रजिस्ट्री है, 2016 में मैंने रजिस्ट्री करवाई है, ये बराबर पूरी रजिस्ट्री हुई है, मेरा पैसा दे के यहाँ आया हूँ, बाकायदा सीमांकन डाइवर्सन सब कुछ करवाया है। निमंत्रण आपका सीमांकन हो गया? आपका सीमांकन हो चुका है, RI साहब खंपरिया जी आए थे, RI साहब यहाँ पे बैठ के सीमांकन करवाए हैं और राजा गौतम साहब आए थे। कब हुआ सीमांकन इसका? ये फरवरी 2020 में हुआ है सीमांकन, बराबर सीमांकन करवाए हैं। अब ये जो अभी नया मोहरा इन्होंने अर्जुन दास पटेल ने बनवाया है वो है सुरेश पटेल बर्द हरशरण पटेल, ये पूरा दावा कर रहा है कि मेरी जमीन है 2 एकड़ मेरी जमीन है, वो सीमांकन लगा रहा है। मैं सिर्फ तहसीलदार साहब से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, भू माफियाओं के खिलाफ पूरी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पास भी कोई रजिस्ट्री है क्या इसकी? रजिस्ट्री तो दिखा नहीं रहे हैं सर, रजिस्ट्री है तो बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, और जो भी दिखा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि 2019 में मैंने लिया है, 2 एकड़ जमीन लगा रहा, मैं अपने खसरे में लगा रहा हूँ कि मेरे खसरे में मेरी जमीन में सीमांकन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कल मैं तहसीलदार साहब को लिखित में दे रहा था शिकायत, बोलते हैं कि वहाँ सामने फाइल में दे दो, फाइल से आएगी। उसका फेंकता तहसीलदार साहब, बाबू वो लखन है, उससे ये सुरेश पटेल मिल चुका है इसको, तो वो लखन है वहाँ का, उनका जो बाबू है वो बार बार इधर उधर जा रहा है। जब FIR करने गए तो उन्होंने क्या बोला आपसे? अभी मैंने गया था चौकी में तो मेजर साहब बोले कि मैं जब से तुमसे बोलते आ रहा हूँ तो तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। मेजर साहब का कहना है कि मतलब हमको कुछ पैसा दिया जाए, मेजर साहब अभी चाहते तो तुरंत स्पॉट में आके उनके ऐसी तैसी करते। और जिस दिन मैं कब्जा लिया हूँ, यहाँ शाम को लिया हूँ, तो अर्जुन दास पटेल मेरे एक मित्र वकील है, वो उसको धमकी दे रहा है मैं तुम्हारी सेवा करवा डालूंगा, और जान से मारने की मेरे को धमकी दी जाती है, छुट्टी जान से मारने की धमकी दी जाती है। और जो शिकायत आपने आगे नहीं की जी, जो शिकायत आपने आगे नहीं की, लेकिन शिकायत मैंने वहाँ दी है, नहीं जो जान से मारने की धमकी शिकायत मेरे पहले से मेरी चौकी में डली हुई है,
एसटीआई साहब को भी फोन करके मैं इस बात को अवगत कराया हूँ, कलेक्टर साहब को अभी मैंने फोन किया, कलेक्टर साहब मेरा फोन नहीं उठाए, फोन उठाया काट दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डा श्री हरि प्रसाद जायसवाल उर्फ संदीप जायसवाल। शिकायतकर्ता गुड्डा उर्फ संदीप जायसवाल के द्वारा बताया गया है कि उनके प्लॉट में अवैध भू माफिया के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसके संबंध में पता करा तो श्री गया प्रसाद कुशवाहा के द्वारा कुलदीप नामदेव और संदीप जायसवाल को साझे में पार्टनरशिप का प्लॉट दिया था उनसे। इसके बाद उनके घर के आसपास जहां प्लॉट था कैलवारा में आदिवासी रहने वाले कुछ भू माफिया जिनके नाम वो बता रहे थे अज्जू कुशवाहा और अर्जुन दास पटेल, जिनके द्वारा कब्जा करने की सूचना मिली। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस स्टाफ को भेजा गया, वहाँ पर समझाइश दी गई अर्जुन दास पटेल और अज्जू कुशवाहा को कि अगर आपके पास इस भूमि के संबंध दस्तावेज हैं तो दस्तावेज पेश करें, अन्यथा आप किसी प्रकार का वायलेंस क्रिएट ना करें। और आपस में दोनों पार्टी को समझाइश देने के बाद पुलिस वहां से लौटी है और दोनों पार्टियों को तलब किया है थाने में कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना करें। आपका नाम सर? एसआई सिद्धार्थ, चौकी प्रभारी बस स्टैंड थाना।